गणेश चतुर्थी आने वाला है, ऐसे में भगवान गणेश के रूप के दर्शन हो जाएं तो क्या ही कहना। ऐसा कहना है लोहरदगा के नगर इलाके में रह रहे लोगों का। लोगों का मानना है गणेश चतुर्थी के मौके पर गजराज महाराज का आगमन और बिना नुकसान पहुंचाए शांतिपूर्वक जंगलों की ओर निकल जाना शुभ संकेत है। दरअसल लोहरदगा के नगर क्षेत्र में दो हाथी प्रवेश कर गए, जिसके बाद हाथी को देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। नायक कौन होता? जल्दी ले यार, खुदा नहीं झटके। जाय दो उसको चीचा। ये डालता है अथी मन में। किसाय का तो हो? आप लो, आप का नंबर। वो जाबे नहीं करता, डरा हुआ है। अरे 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 भाई। बताया जा रहा है कि दोनों जंगली हाथी कई दिनों से आसपास के क्षेत्र में घूमते रहे। इसके बाद लोग जब हाथियों की तस्वीर लेने लगे तो दोनों हाथी थाने में घुस गए। पूरा सदर थाना इलाकों का भ्रम करने के बाद दोनों बाजार होते हुए गांव की ओर निकल गए। वहीं जंगली हाथी के शहर में आते ही इसकी सूचना जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर जिला प्रशासन ने नगर वासियों को अपने अपने घरों में रहने और हाथियों से दूर रहने की चेतावनी दी। वन विभाग के डीएफओ विकास कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार इन हाथियों पर नजर बनाए हुए थी। देर रात को ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने के बाद दोनों जंगली हाथी नगर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उन्होंने बताया शहर के ईदगाह के पास रास्ता नहीं मिलने से छोटी सी बाउंड्री वॉल को नुकसान हुआ है। अपर बाजार में करीब 6 बजे के आसपास दो जंगली हाथियों का को देखा गया और वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच गए। और दो दिनों के बाद गणेश चतुर्दशी है तो ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। इसी दौरान दोनों गजराज नगर के अपर बाजार, मुख्य सड़क, थाना टोली आदि क्षेत्रों में घूमते रहे। गनीमत रही कि नगर में हाथियों ने किसी प्रकार की कोई जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचाया। लोहरदगा से आनंद सोनी की रिपोर्ट।